Hi everybody, in the class of 12th class we are just trying to learn topic after topic so that we may just come to the every topic and within short time we may just get command over all the topics. In the series of learning English compulsory, we are just discussing some topics. Yesterday we have just already discussed about how to draft an advertisement. Today we would just discuss something about the next of the topic, that is our invitation, jo ki hamara hoga topic invitation. Kaise check karte hain hum log, ek baar yahan par likh de invitation. इस इनविटेशन में जो हमारे सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो है एक्सेप्टिंग इनविटेशन और डिक्लाइनिंग इनविटेशन. यानी इसी टॉपिक को हमारे पास दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं. वो दो तरीके के प्रश्न किसमें होंगे, इस इनविटेशन के दो पार्ट हम लोग यहाँ कर लेते हैं. एक होगा एक्सेप्टेंस और दूसरा होगा रिफ्यूजल. एक्सेप्टेंस इसका अर्थ ये होगा कि हमने इनविटेशन को, जो हमें इनविटेशन मिला है उस इनविटेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया. दूसरा, यदि जस्ट ड्यू टू सम ऑफ द ऑब्लिगेशंस वी कांट एक्सेप्ट द इनविटेशन, कोई बाध्यता हो जाए, उस बाध्यता के कारण हम लोग उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो हमारे पास हमारी ऑब्लिगेशंस होती है कि जिस पार्टी ने हमें इनवाइट किया है उसको हम अपना रेस्पॉन्स दें, और वो रेस्पॉन्स स्वीकार नहीं करने की स्थिति में रिफ्यूजल के तौर पर देंगे. यानी एक इनविटेशन जब हम लोगों को मिल जाता है आफ्टर रिसीविंग और एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द इनविटेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ अवर्स टू सेंड एन एक्सेप्टेंस इन द मैनर ऑफ एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. सपोज हमने किसी का इनविटेशन कार्ड प्राप्त किया और उस इनविटेशन को हम लोग विलिंग है, जस्ट वी आर विलिंग टू अटेंड द सेरेमनी, हम उस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए विलिंग कर रहे हैं, इच्छुक है, तो हमने हमारा एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने का जो भाव है उनको लिखित में भेजना पड़ेगा. दूसरा, हम वहां किसी कारण से नहीं जा पा रहे, जिस जगह हमें कार्यक्रम में जाना है वहां कोई हमारी बाध्यता हो सकती है, कोई वहां की बाध्यता हो सकती है, ऐसी स्थिति में हम रिफ्यूजल भेजेंगे. दोनों ही जो पैटर्न है उनको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये आज हम लोगों को सीखना होगा. एक एक टॉपिक हम दोनों तरफ से लेंगे और कोशिश करते हैं एक प्रश्न की सहायता से. Imagine that you are Sridhar Varma. You have received the invitation of the birthday of Manu Sharma. आपने मनु शर्मा के जन्मदिन का इनविटेशन प्राप्त किया है. सेंट बाय मिस्टर जीपी शर्मा.
जीपी शर्मा ने आपको, मिस्टर जीपी शर्मा ने मनु शर्मा के बर्थडे के लिए आपको इनवाइट किया है और आप हैं श्रीधर वर्मा। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई हैं। जैसे ही हमने ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त की, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सेंड एन एक्सेप्टेंस फॉर इट, इसके लिए एक्सेप्टेंस भेजिए। अब हमने यहां चेक करना है कि आप लोगों को क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस भेजना है। सीनियर क्लास में चार नंबर के टॉपिक के लिए हम लोग इसको सीख रहे हैं। सेकंड बी यूनिट के अंदर चार नंबर का प्रश्न आता है, इसी के लिए हम लोग यहां प्रयास कर रहे हैं। एक बार जब हमने एक्सेप्टेंस आ गया, हमें अपने लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसे हम एक्सेप्टेंस लिख देंगे। एक बार एक्सेप्टेंस लिखने के बाद में हम इस श्रीधर शर्मा के थर्ड पर्सन के द्वारा बातचीत करेंगे। इस प्रकार के इनविटेशंस के अंदर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम इनविटेशन का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम लोग यूज नहीं करेंगे। चेक करते हैं, इसी मिस्टर श्रीधर वर्मा की तरफ से हम लोग लिखेंगे मिस्टर श्रीधर वर्मा इज सो मच हैप्पी। मिस्टर श्रीधर वर्मा इज सो मच हैप्पी टू रिसीव the invitation of the birthday of Manu Sharma। इस लैंग्वेज को हम लोग यहीं से पिकअप करते हैं। जैसे ही आपको इन्विटेशन मिलता है, आप अपनी हैप्पीनेस को एक्सपोज कीजिए। Because it's your moral duty to show that you are too much happy after getting or receiving the invitation. तो यहाँ एक ड्यूटी बनता है, वो ड्यूटी हम लोग एक्सपोज करें कि मिस्टर श्रीधर वर्मा इज सो मच हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन। अब किसका इन्विटेशन? ऑफ द बर्थडे ऑफ मनु शर्मा, ऑफ द बर्थडे ऑफ मनु शर्मा। ये हमने एज इट इज कर दिया। अब यदि इसको और आगे लिखना है तो ये बर्थडे कब होने जा रहा है, इसको हम लोग यहां पर एक्सपोज कर देते हैं। दैट इज गोइंग टू, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन, जो घटित होने जा रहा है। कब घटित होने जा रहा है? May 30th, कॉमा देते हुए 2020, जो 20-30 मई को होने जा रहा है बर्थडे, उसका इनविटेशन पाकर मिस्टर वर्मा या श्रीधर वर्मा बहुत ही खुश है। इट्स ए कॉमन इंफॉर्मेशन, और ये कॉमन इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पर्सन के अंदर यहां पर हमने एक्सपोज किया है। अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि श्रीधर वर्मा हैप्पी है तो वो बताएं कि मैं आ जाऊंगा। तो ये जो मैं है उसको यूज नहीं करते हुए हम लोग उसका थर्ड पर्सन प्रोनाउन केस यूज करेंगे। मिस्टर श्रीधर वर्मा के लिए प्रोनाउन केस आएगा ही। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ही इज विलिंग टू अटेंड the invitation, और इनविटेशन को अटेंड करने का इच्छुक है। यहाँ तो उसने कह दिया है कि वो बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, या he is accepting, सीधा भी लिख दे तब भी चलेगा।
यदि आपको ये लग रहा है कि विलियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम इसे अपने कॉमन लैंग्वेज में भी डायरेक्ट दे सकते हैं कि ही इज एक्सेप्टिंग, ही इज एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। वह इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड अटेंड द फंक्शन। और वह कार्यक्रम को समय पर अटेंड भी करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात क्लियरली यहां पर रख दिए कि वो इस कार्यक्रम को अटेंड करने के इच्छुक हैं। अब हमें ये जो मिस्टर जीपी शर्मा है इसको भी हम लोग थैंक दें। तो एक कॉमन सा मैटर थैंक मिस्टर जीपी शर्मा फॉर सेंडिंग द इनविटेशन। इनविटेशन को भेजने के लिए मिस्टर जीपी शर्मा का थैंक। अब हमारे पास ये कंप्लीट यहाँ एक तरह का डिटेल आ जाता है। जैसे ही हमने ये एक्सेप्टेंस लिखा, हमने इसके चारों ओर बाउंड्री देते हुए इसको क्लोज करना है। ये हुआ हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन। चेक कीजिएगा इसमें थर्ड पर्सन का ही प्रयोग हुआ, मैं आप ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। कॉमन सी इंफॉर्मेशंस, ऑलमोस्ट वर्ड्स आर सो फिक्स्ड हियर, वी टू चेंज समथिंग, हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा। एक बार हमने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे मान लो मिस्टर श्रीधर वर्मा के जगह कोई मांगीलाल हो तो यहाँ मांगीलाल कर देंगे, बर्थडे की जगह रिटायरमेंट हो तो यहाँ रिटायरमेंट हो जाएगा, मनु शर्मा की जगह ओंकार बल हो तो वो ओंकार बल यहाँ आ जाएगा। मतलब हमें चेंज करना होगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रखते हैं हम लोग। फिर से सुने, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाए। इमेजिन दैट यू आर अरुण सिंह, तो यहाँ अरुण सिंह लिख दीजिए। यहाँ बर्थडे की जगह इनोग्रेशन हो सकता है किसी का, तो यहाँ इनोग्रेशन हो जाएगा ऑफ न्यू हाउस, यहाँ नया मकान बना तो उसका उद्घाटन का। मतलब इस टाइप से आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए आप लिखें तो यू विल गेट मच एडवांटेज आउट ऑफ द पैटर्न। कोई सिग्नेचर नहीं है लास्ट में। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये आ जाता है कि यदि मिस्टर श्रीधर वर्मा सह परिवार जा रहे हैं या पत्नी के साथ जा रहे हैं सह पत्नी, तो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा और यहाँ आर आ जाएगा। कैसे, एक बार चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। इस सेंटेंस को देखें, इस बार वो श्रीधर वर्मा जो है वो सहपत्निक जा रहे हैं, तो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा दो हो गए, आर का प्रयोग कर दिया, बाकी एज इट इज रहेगा। डेट चेंज कर दीजिए यदि कोई डेट दूसरी है, भेजने वाले का नाम यहाँ और कोई है वो लिख दीजिए। एक कॉमन सी डिटेल चेक कीजिए और थोड़ी देर में हम लोग इसका रिफ्यूजल लिखते हैं कि कैसे हम लोग मान लो नहीं जा पा रहे हैं, तो हम उसका रिफ्यूजल कैसे देंगे। एक नजर आपकी,
एक और प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं जो कि रिफ्यूजल का हो, और दोनों टॉपिक हमारे पास से लगभग स्थिति में आ जाएंगे। Imagine that you are Kirtimukh Bihari. You have received an invitation of parole on her ring ceremony. आपको पारुल की रिंग सेरेमनी का इनविटेशन मिला है, सगाई, पारुल की सगाई हो रही है और पारुल की सगाई के ऊपर आपको इनविटेशन मिला है, रिंग सेरेमनी। You can't attend the invitation. आप इस invitation को accept नहीं कर पाओगे या कर सकते हो। Send a refusal of The invitation. इस invitation का refusal भेजिए। अब आप लोगों को ये सब मिल गया refusal। इसकी जगह decline हो सकता है। DCLI यानी decline, मना करना, अस्वीकार करना। तो यहाँ दोनों में से कोई जो शब्द आए उसी का हम लोग noun case में use करेंगे। Refuse से बना refusal। तो मनाई, ये जो sense आ रहा refuse से refusal, ये noun case हम यहाँ use करेंगे। ऊपर ही ऊपर refusal, जैसे हमने acceptance के अंदर एक start दिया था कि जो जिसने invitation को accept receive किया है उसी के नाम से हमने start देंगे। यहाँ हमारे पास है कीर्तिमुख बिहारी, तो हम सहपरिवार लिखें, तो Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Kirti Mukh Bihari, जो नाम हमारे पास दिया हुआ है उसी नाम से हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। Mr. and Mrs. Kirti Mukh Bihari are so much happy to Happy to receive the invitation of the ring ceremony of parole. सेम पैटर्न जैसे हमने एक्सेप्टेंस में लिखा था वो का वो पैटर्न हम लोग लगभग फॉलो करते हुए लास्ट की एक या दो लाइन में हम लोग चेंज करेंगे, जिससे हम लोगों का रिफ्यूजल भी कवर हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं लगातार हम लोग यहाँ पर, मिस्टर एंड मिसेस कीर्तिमुख बिहारी जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही हमने मिस्टर और मिसेस दोनों का नाम दे दिया तो आर कर दिया, दोनों में से एक होता तो यहाँ इज कर देते, सो मच हैप्पी, खुश, अभी भी ये इन्विटेशन मिला है तो खुशी तो दिखानी पड़ेगी। यहाँ हम लोग दुखी नहीं कर सकते मुझे इनविटेशन मिल रहा बहुत दुखी हूँ, नहीं ये नहीं है। अब जब ये
हमने अपना मॉरलिटी दिखाना है कि वी आर सो मच हैप्पी, हम बहुत खुश हैं टू रिसीव द इनविटेशन, और वो भी किसका, ऑफ द रिंग सेरेमनी, सगाई का, और वो सगाई किसकी, ऑफ पारुल। अब ये कब होने जा रही है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन जून 2nd 2020। अब जून 2 को जो सगाई होने जा रही है, उस सगाई का, पारुल के सगाई का इनविटेशन पाकर मिस्टर और मिसेस कीर्तिमुख बिहारी बहुत खुश है। यहाँ तक कॉमन स्ट्रक्चर, चाहे हम लोग रिफ्यूजल लिखें, चाहे हम लोग एक्सेप्टेंस लिखें। अब चेंज करना है, वो लास्ट की लाइन को चेंज करेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ आर वेरी सॉरी फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू सम अपॉइंटमेंट ऑन द सेम डेट। इस लैंग्वेज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। बोथ आर वेरी सॉरी, दोनों को बहुत दुख है। बोथ आर वेरी सॉरी, बोथ आर वेरी सॉरी, दो तीन बार करेंगे तो ये बोथ आर वेरी सॉरी हमारा क्लियर हो जाएगा। फॉर बीइंग अनेबल, असमर्थ होने के लिए उनको बहुत दुख है। किस बात के लिए असमर्थ था, टू अटेंड द सेरेमनी, इस समारोह को अटेंड करने की असमर्थता के लिए उनको दुख है। अब ये जब भी हमें कोई कारण देना हो, हम कारण अक्सर जोड़ते हैं ड्यू टू के साथ या बिकॉज ऑफ के साथ। ड्यू टू बिकॉज ऑफ, इनके बाद हमें कोई भी कारण जोड़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट, ड्यू टू अपॉइंटमेंट, ड्यू टू सिकनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस, जो भी ये शब्द आ रहे हैं इनको हम कारण को जोड़ने के लिए इन दो फ्रेज का उपयोग कर सकते हैं, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ। अभी हमने यहाँ क्लियरली कह दिया कि दोनों नहीं आ सकते, एक तो सीधा सीधा कहें कि बोथ कांट अटेंड, तो थोड़ा अनफेयर लगेगा। हम उसी लैंग्वेज को इनडायरेक्टली कह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली जो हम लोगों ने कहा है वो ये है कि बोथ आर वेरी सॉरी, दोनों को बहुत दुख है फॉर बीइंग अनेबल, असमर्थ होने के लिए। अब ये एटलीस्ट इन्विटेशन तो मिला ही, ये जो इन्विटेशन हमें मिला है, इस इन्विटेशन के लिए हम लोग उनको थैंक भी देंगे और साथ में विशिंग वर्ड्स भी यहां से भेजेंगे। कैसे, थैंक फॉर सेंडिंग द इनविटेशन, इनविटेशन भेजने के लिए धन्यवाद। अब यहां मे सी बी प्लेस्ड और ये और आगे बढ़ाए तो विद ऑल, खैर छोड़िए हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस लास्ट का जो बना है, मे सब्जेक्ट फिर वी फर्स्ट, पैसिव बनाना है तो मे का पैसिव बनता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना यदि हमने कर लिया तो हमारे पास यहाँ जाते हुए सेंस कंप्लीट हो जाता है। हम इसको चारों ओर से पैक भी कर देंगे
और ये हमारा रिफ्यूजल यहाँ कंप्लीट सेंस में आ जाता है। जैसे हमने ये कंप्लीट सेंस में देखा, इसकी लैंग्वेज को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि क्या हम ये लैंग्वेज कवर कर पा रहे हैं। यदि हमसे ये लैंग्वेज बन पा रही है तो और दो तीन हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिनको आप होमवर्क में करने की कोशिश कीजिएगा। अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है, यदि आप खुद करते हो इस पैटर्न पर, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देना, इसके नाम की जगह कोई और हो गया, इसका नाम की जगह कोई और कर दिया, डेट चेंज हो गई और यहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते ही हमारा ये टॉपिक एक तरह से फ्लो में आ जाता है। मैं यहाँ एक प्रश्न आपके लिए लिखूंगा। Suppose you are Karan Singh and have received the invitation of the retirement of Mr. Kailash Chand Pulistha. अभी दो informations आपके पास में आ गई है कि आप कौन हैं। आप हैं करण सिंह और रिटायरमेंट फंक्शन है मिस्टर कैलाश चंद का। यू कांट अटेंड द फंक्शन, आप फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते ड्यू टू लॉकडाउन। आप लॉकडाउन के कारण इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर सकते। अब नेगेटिविटी आ गई तो हमें यहां पर सेंड ए रिफ्यूजल ऑफ द इनविटेशन, आपको इस इनविटेशन का रिफ्यूजल भेजना। मैं थोड़ा सा आपके लिए हेल्प कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा पीरियड यहाँ हम लोग खत्म करेंगे आज का। कैसे? ऊपर ऊपर हमारे पास रिफ्यूजल आ जाएगा इस जगह पर, रिफ्यूजल। इसी रिफ्यूजल से हम लोग स्टार्ट देंगे। मिस्टर एंड मिसेस करण सिंह आर, मिस्टर एंड मिसेस करण सिंह आर सो मच हैप्पी, सो मच ग्लेड कर दो, are so much happy to receive the invitation of, to receive the invitation of the retirement of, the retirement of Mr. Kailash Chand. Mr. Kailash Chand के retirement के invitation को पाकर बहुत खुश है। कौन खुश है? Mr. और Mrs. Karan Singh. That is going to take place. एक लैंग्वेज और हो सकती है, that is going to take place, that is going to take place. कब? That is going to take place on May 30th, 2020. ये लैंग्वेज हम लोगों को फिक्स करना चाहिए। एक्सेप्टेंस लिखें या हम लोग रिफ्यूजल लिखें। यहीं से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब हमने इसको थोड़ा चेक करना है। जैसे हमने ये देखा, हम नीचे की लाइन पे आएंगे, बोथ आर अनेबल, या बोथ आर वेरी सॉरी, क्या क्या लैंग्वेज हुई, दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज उठा लीजिए, बोथ आर वेरी सॉरी फॉर बीइंग अनेबल, वापस बोलना शुरू करें, मन ही मन आपको आएगा, बोथ आर वेरी सॉरी फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू लॉकडाउन, थैंक्स फॉर सेंडिंग द इनविटेशन, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं सब्जेक्ट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, इस पैटर्न पर हम लोग अपना सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार हमने इस स्ट्रक्चर को देख लिया कि हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, यहीं से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, मैं ही बी हैप्पी, या मैं ही बी ब्लेस्ड बाय गॉड, या मैं गॉड ब्लेस हिम, सीधा कर दो, मैं गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसको खुश रखे, और चारों ओर से इसको पैक कर देना। उम्मीद करता हूँ आप लगातार सीखते रहेंगे, और जो ये छुट्टियों का टाइम चल रहा है लॉकडाउन के कारण, हमें छुट्टियाँ मनानी पड़ रही है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ लगातार आपके लिए सेवाएं दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन सेवाओं का लाभ शानदार तरीके से लेते रहोगे। इसी के साथ आज के मैं इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।